श्रावण के प्रथम सोमवार हुई बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। रात्रि से ही हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले हिस्सों में जल निकासी नहीं होने से कई कॉलोनियां जलमग्न होती गईं। नगर पालिका द्वारा जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से शहर की जैन कॉलोनी, नर्मदा विहार, चोकडा विहार, पंडित कॉलोनी, खरगोन रोड, सिविल हॉस्पिटल, शासकीय कन्या स्कूल सहित अन्य कई निचले हिस्सों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण स्थानीय नागरिक परेशान होते दिखाई दिए। नागरिकों ने नगर पालिका बारिश का पानी निकासी के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट। बीती रात लगातार सनावत शहर में झमाझम बारिश के चलते सनावत शहर की निचली बस्तियों में पानी जमा हो गया है। नगर पालिका द्वारा कहीं पर भी पानी निकासी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे नर्मदा विहार, सोलंकी कॉलोनी, पंडित कॉलोनी सहित तमाम कॉलोनियों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे कहीं ना कहीं घरों में रखी सामग्री भी खराब हो सकती है। इस वक्त हम है शनावर शहर की नर्मदा विहार कॉलोनी में। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलोनी की मुख्य जो तीन गलियाँ हैं, तीनों ही गलियाँ पानी से डूब चुकी है। कॉलोनी में जो मंदिर है, मंदिर में बड़ी मात्रा में पानी जमा हुआ है, तथा घरों में भी पानी घुसा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय रहवासी जो है वो नगर पालिका की कार्यप्रणाली से नाराज है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द नगर पालिका इस पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सनावत से नीलेश मालाकार।